हेलो दोस्तों, मैं हूँ हर्षित और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल हर्षित क्रिएशन। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं फुटप्रिंटिंग होता क्या है और इन्फॉर्मेशन गैदरिंग होता क्या है। आज की क्लास में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, व्हाट इज़ फुटप्रिंटिंग है, कितने टाइप के फुटप्रिंटिंग है, किस तरीके से हम फुटप्रिंटिंग कर सकते हैं, ईवस ड्रॉपिंग और शोल्डर सर्फिंग हो गया और डम्पस्टर डिविंग हो गया, इन सब के बारे में आज हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले फुटप्रिंटिंग होता क्या है। फुटप्रिंटिंग जो होता है दोस्तों, ये सबसे फर्स्ट स्टेप होता है हैकिंग में, कि फुटप्रिंटिंग से आप किसी भी वेबसाइट की या किसी भी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को गैदरिंग करना फुटप्रिंटिंग कहलाता है किसी। और दोस्तों, फिर उसके बाद इससे होगा ये, जो कोई पेनेटेस्टर है, जो एथिकल हैकर, वो उसमें पता चल जाता है फुटप्रिंटिंग करने से कि आपकी वेबसाइट में क्या क्या कमियां हैं, जिसके कारण आप हैकर जो होता है वो आपकी इन्फॉर्मेशन को स्टील कर लेता है, किस तरीके से चुरा लेता है। और जो एक एथिकल हैकर होता है वो क्या करता है, आपको बताता है कि आपकी वेबसाइट में ये कमियां हैं, आप इस तरीके से इसको यूज़ करिए, आपका सब कुछ सिक्योर रहेगा। फिर हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फुटप्रिंटिंग के बारे में। ये दो टाइप की फुटप्रिंटिंग होती है, एक पसेसिव फुटप्रिंटिंग और एक एक्टिव फुटप्रिंटिंग। जो पसेसिव फुटप्रिंटिंग होती है उसमें दोस्तों, हैकर के लिए मालूम नहीं होता आपकी इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पर वो क्या करता है, गूगल के जरिए, आपके आईपी एड्रेस के जरिए, डीएनएस वगैरह के जरिए आपकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। लेकिन जो एक्टिव फुटप्रिंटिंग होती है, इसमें हैकर को आपके बारे में इन्फॉर्मेशन पता होती है, तो वो क्या करता है, आपकी वेबसाइट को कॉपी कर लेता है, ईमेल को ट्रेस कर लेता है, पिंगिंग कर लेता है, ट्रेस रूट कर लेता है, पैकेट स्निफिंग कर लेता है, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, वो आगे की क्लास में आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। लेकिन चलते हैं अपने दोस्तों आगे की ओर। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि फुटप्रिंटिंग किस किस तरीके से वर्क करता है। दोस्तों, इस थ्योरी के बाद मैं आपको प्रैक्टिकल क्लास भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। फिर दोस्तों आते हैं वेरियस स्टेप ऑफ इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, कौन कौन से तरीके होते हैं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करने के। सबसे पहला आता है वेबसाइट इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, फिर आता है ईमेल फुटप्रिंटिंग, फिर आता है फुटप्रिंटिंग थ्रू सर्च इंजन, फिर आता है डीएनएस फुटप्रिंटिंग, फिर नेटवर्क फुटप्रिंटिंग, फिर सबसे एंड में आता है पीपल सर्च। कुछ वेबसाइट होती हैं जो लोगों के बारे में जानकारियाँ रखती हैं, आप उससे भी जानकारियाँ निकाल सकते हो। ये बहुत सारे स्टेप होते हैं जिसके जरिए आप किसी भी वेबसाइट की या किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहला आता है दोस्तों वेबसाइट फुटप्रिंटिंग। मालूम चल ही गया होगा आप लोगों को वेबसाइट फुटप्रिंटिंग होता क्या है। दोस्तों, वेबसाइट फुटप्रिंटिंग में क्या होता है कि आपकी वेबसाइट को कॉपी कर किसी कई सारे टूल्स होते हैं, उसको ऑफलाइन मोड में हैकर या अटैकर सेव कर लेता है। इन फ्यूचर आपकी वेबसाइट की कमियों को ढूंढता है और हो सकता है टाइम आने पर वो उसका मिसयूज भी करे। लेकिन यहाँ पर जो एथिकल हैकर होते हैं, पेंटेस्टर होते हैं, वो आपकी वेबसाइट को सिक्योर रखने के लिए आपकी हेल्प करते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप वेबसाइट फुटप्रिंटिंग को किस किस तरीके से कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसके लिए आप वेबसाइट फुटप्रिंटिंग का यूज़ कर सकते हो दोस्तों। फिर होता है एग्जैक्ट वेबसाइट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, किसी आप वेबसाइट से इंफॉर्मेशन को गैदरिंग करना, ज़्यादा से ज़्यादा वेबसाइट पर इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करना, जैसे उसका हुइज डाटा क्या है, आईपी एड्रेस क्या है, ये चीज़ है। फिर आता है हुइज लुकअप स्मार्ट हुइज। दोस्तों, हुइज लुकअप वेबसाइट का बहुत ही बेस्ट, वेबसाइट का फुटप्रिंटिंग करने के लिए हुइज टूल बहुत ही बेस्ट टूल होता है। इससे आपको वेबसाइट की कई सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं। फिर आता है ईमेल फुटप्रिंटिंग। ईमेल फुटप्रिंटिंग का मतलब आप समझ ही गए होंगे, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ईमेल हेडर। जैसे मान लीजिए कोई हैकर है या कोई मेलर है, आपके पास मेल आया, आप उसका हेड, उसके टाइटल को चेक करके, उसका आईपी को देखकर बता सकते, समझ ही जाओगे कि ये मेल कहाँ से आया। कुछ मेल ऐसे भी होते हैं, जैसे ही आप उसको क्लिक करते हैं तो आपकी आईपी एड्रेस, आपकी इन्फॉर्मेशन उस हैकर के पास पहुँच जाती है, क्योंकि उसमें कई सारे रैट स्पाईवेयर वगैरह लगे होते हैं। फिर दोस्तों, ईमेल को ट्रेसिंग करने के लिए बहुत सारे टूल बनाए गए हैं, जैसे एक तो है आपका रेडमी गेट नोटिस, एड नोटिस, ट्रेस ईमेल, ये सारे टूल्स हैं जिसके जरिए आप ईमेल पर भी फुटप्रिंटिंग कर सकते हो। इन टूलों की मदद से आप उसका आईपी एड्रेस देख सकते हो, लोकेशन चेक कर सकते हो, कहाँ से मेल आया हुआ है, ये सारी चीज़ आप ईमेल फुटप्रिंटिंग पर यूज़ कर सकते हो। इन टूलों की मदद से आप ईमेल पर भी और भी अच्छी खासी इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हो। फिर दोस्तों आता है फुटप्रिंटिंग यूजिंग गूगल। गूगल के जरिए फुटप्रिंटिंग कर सकते हो यूजिंग गूगल हैक डाटाबेस। दोस्तों, यहाँ पर गूगल हैक डाटाबेस का मतलब है
कई सारी वेबसाइट होती हैं जिनमें वल्नरेबिलिटी होती है, कमियां होती हैं, जो गूगल हैकिंग डाटाबेस एक साइट होती है GSDB जिसको बोलते हैं, उस पर आप उस वेबसाइट को बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हो। गूगल टॉर्क दोस्तों, गूगल टॉर्क होते हैं जैसे PHP क्वेश्चन मार्क ID स्ट्रिंग्स होती हैं जिनका यूज़ करके आप कमियों को देख सकते हो, क्या कमियां हैं क्या नहीं है। फिर दोस्तों गूगल हैकिंग टूल्स, गूगल के कुछ हैकिंग टूल होते हैं, मैट गोली हो गया, बाइल सूट हो गया, ग्रैम ETC, ये सारे टूल्स हैं गूगल के। यहाँ पर दोस्तों गूगल को हैक करना नहीं है दोस्तों, यहाँ पर है गूगल की मदद से आप इंफॉर्मेशन को गैदरिंग करना, किसी भी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन गैदर करना, किसी भी पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना, ये सारी चीज़ फुटप्रिंटिंग होती है यूजिंग ऑफ गूगल। गूगल के जरिए भी आप अच्छी खासी फुटप्रिंटिंग कर सकते हो किसी भी पर्सन की या किसी भी वेबसाइट की, अच्छी खासी आप लोग इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हो। किस तरीके से यूज़ करना है, गूगल हैक डाटाबेस की मदद से, गूगल डॉर की मदद से, और गूगल हैकिंग कुछ टूल्स होते हैं उनकी मदद से भी आप फुटप्रिंटिंग बड़े ईजिली आप कर सकते हो दोस्तों। फिर दोस्तों आता है आपका DNS फुटप्रिंटिंग। DNS फुटप्रिंटिंग क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है। DNS फुटप्रिंटिंग जो होता है दोस्तों, डोमेन नेम सिस्टम फुटप्रिंटिंग होता है। इससे होता ही है कि आप किसी भी सिस्टम, मान लीजिए जैसे डोमेन है www.google.com, www.yahoo.com, rediffmail.com, ये सारी चीज़ होती हैं, एक ये सारी चीज़ डोमेन होती हैं। और डोमेन नेम फुटप्रिंटिंग वो होती है किसी भी साइट पर या उसके डाटा, किसी भी साइट पर इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना, उसके डोमेन के जरिए उसका IP एड्रेस निकालना, हुईज निकालना, मैक रिकॉर्ड निकालना, ये सारी चीज़ डोमेन DNS फुटप्रिंटिंग में आती है। नेटवर्क फुटप्रिंटिंग आपको पता ही चल गया होगा, नेटवर्क फुटप्रिंटिंग के मतलब से जैसे IP हो गया, मैक हो गया, नेटवर्क पर चलने वाली, पर नेटवर्क यूज़ करने वालों पर फुटप्रिंटिंग करना, यानी इन्फॉर्मेशन गैदर करना। ट्रेसर्ट हो गया, ट्रेसर टूल जिसका पूरा नाम होता है ट्रेस रूट टूल। इससे होता क्या है, आप इससे जो है चेक कर सकते हो पैकेट का, और हमारे जो डाटा है कितने राउटर्स के बीच में होकर हमारे पास पैकेट्स आते हैं, ये सारी चीज़ आप ट्रेसर टूल से कर सकते हो। पैथ एनालाइज हो गया, नेट फ्रेस हो गया, पिंग हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, VTrace हो गया, GeoSpider हो गया, ये सारे टूल हैं दोस्तों जिनकी मदद से आप नेटवर्क पर भी फुटप्रिंटिंग कर सकते हो। नेटवर्क पर फुटप्रिंटिंग का मतलब हो गया जैसे दोस्तों आपको मालूम होगा, एक लोगों पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए हम लोगों को IP की ज़रूरत पड़ती है, IP एड्रेस होता है, MAC एड्रेस होता है। उसी तरीके से नेटवर्क फुटप्रिंटिंग का यूज़ करने के लिए, नेटवर्क पर आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए इन टूलों की मदद पड़ती है। ये दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे के ट्यूटोरियल में बताऊंगा प्रैक्टिकल कर कि किस तरीके से ये सारी चीज़ यूज़ होती है। फिर दोस्तों एक है शोडाउन सर्च इंजन, जो शोडाउन सर्च इंजन है बहुत ही बेहतरीन सर्च इंजन है, जिसके आगे मैं आपको प्रैक्टिकल में बताऊंगा। फिर कुछ वे होते हैं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करने के, ईवज ड्रॉपिंग होता है। ईवज ड्रॉपिंग में दोस्तों होता ये है कि आप जो आप कोई पर्सन है या कोई हैकर है आपके विदाउट परमिशन के आप पर सिक्योरिटी करता है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चुराता है, आपको पता नहीं चलता और आपकी कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनता है, आपका पर्सनल डाटा को छेड़ता है, एक तरीके से मान सकते हो कि इस यहाँ पर जो ईवज ड्रॉपिंग होती है, ईवज ड्रॉपिंग में आप मान लीजिए फ़ोन पर बात कर रहे हैं किसी से, तो जो थर्ड पर्सन हो या अटैकर वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी चुरा लेता है और आपको पता भी नहीं चलता कि आप पर वो किस तरीके से स्पाई कर रहा है। इसके भी बहुत सारे तरीके होते हैं दोस्तों ईवज ड्रॉपिंग करने के लिए। ईवज ड्रॉपिंग करने का जो मेन मकसद होता है, इसमें जो अटैकर होता है या हैकर होता है वो टूल्स की मदद से करता है, आपको पता नहीं चलता है और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन वो स्टील कर लेता है, चुरा लेता है दोस्तों, आपको पता ही नहीं चलता है कि ईवज ड्रॉपिंग में कि जो है आप जो है जो भी बातें करते हो, आप कम्युनिकेशन कर रहे हो या मैसेजिंग भेज रहे हो, तो वो सारी चीज़ एक अटैकर या हैकर के पास पहुंच जाती है। इसी के लिए हम ईवज ड्रॉपिंग बोलते हैं दोस्तों। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो कि कोई अटैकर है, अटैकर जो है आपको आप पर स्पाई करता है, आपको पता ही नहीं चलता कि आपका डाटा उस तक कैसे पहुँच रहा है। बहुत सारी टेक्निक दोस्तों आजकल इतनी एडवांस टेक्निक चल रही है कि ईवज ड्रॉपिंग की कुछ आप पूछो मत, कि बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्निक चल रही है जिसके ज़रिए जो पर्सन होता है आपका डाटा को स्टील कर लेता है। फिर दोस्तों ईवज ड्रॉपिंग के बाद दोस्तों आता है शोल्डर स्निफिंग। तो दोस्तों शोल्डर स्निफिंग होता क्या, आपको मालूम चल रहा होगा नाम से ही कि शोल्डर स्निफिंग होता क्या है। दोस्तों शोल्डर स्निफिंग क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए, आप यहाँ पर मैं एग्जांपल देकर आपको बताना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए आप किसी पब्लिक प्लेस में अपना
आईडी या पासवर्ड डाल लें, आपके पीछे खड़ा हुआ पर्सन आपकी वो इन्फॉर्मेशन देख लेता है, इन फ्यूचर में उसका वो गलत यूज़ कर सकता है। ये सारी चीज़ दोस्तों शोल्डर स्निफिंग में आती है। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई ऑफिस वर्कर है या आप पब्लिक प्लेस में अपनी फेसबुक आईडी लॉगिन करते हो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो करते हो और ये जो आजकल ऑनलाइन शॉपिंग करते हो उस पर आप अपने पिन नंबर वगैरह डालते हो, अगर पीछे से कोई देख ले तो उस चीज़ का वो इन फ्यूचर में उस पिन का, आपकी ईमेल आईडी का, आपके पासवर्ड का आप मिसयूज कर सकता है दोस्तों। इसी के लिए हम यहाँ पर शोल्डर स्निफिंग बोलते हैं। शोल्डर स्निफिंग में ये है कि ये आप जो है अपनी जो, अगर आपको सिक्योर रहना है तो पब्लिक प्लेस में ये देख लीजिए कि आपके पीछे कोई है तो नहीं, कोई देख तो नहीं रहा है आपके पर्सनल चीज़ों को, कोई पीछे से खड़े होकर आप पर कोई आप पर जो है दोस्तों निगरानी तो नहीं कर रहा है। ये चीज़ आप आगे से ध्यान रखें, हमें मालूम होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फुटप्रिंटिंग के बारे में। फुटप्रिंटिंग आपको मालूम ही चली होगा, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना होता है, तो इसलिए आप लोगों को मालूम होना चाहिए। फिर दोस्तों डंपस्टर डिविंग होता है। डंपस्टर डिविंग ये टेक्निक जो होती है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में वर्क करते हो तो आपका कुछ फाइनेंशियल शीट होती हैं, कुछ डाटा वगैरह होता है, ईमेल यूज़र नेम लिख देते हो कागज़ वगैरह पे और उसको आप जो है गलत हो जाता है तो फोल्ड करके फेंक देते हो, या फिर जो है कूड़े के कचरे में डाल देते हो या डस्टबिन में डाल देते हो। तो होता क्या दोस्तों, डंपस्टर डिविंग का मतलब यही है कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन को फाड़ फूड कर कहीं भी इधर उधर डाल देते हो, तो हैकर इन्हीं चीज़ का फ़ायदा उठाता है, वहाँ से वो सारी चीज़ों को कलेक्ट करता है। एक डंपस्टर डाइविंग का मतलब कूड़ा कचरा कह सकते हो, गार्बेज बोल सकते हो। जैसे मान लीजिए पब्लिक प्लेस में जा रहे हो तो आपने किसी का फ़ोन नंबर टाइप करा, अपने हाथ पर लिखा या पेपर वगैरह पर लिखा या ईमेल लिखा, आपने फ़ोन में टाइप करा और फेंक दिया कागज, तो जो अटैकर होता है, हैकर होता है, इन्हीं सारी चीज़ों का यूज़ करता है दोस्तों। यहाँ पर हमने दोस्तों आपको बताया था कि फुटप्रिंटिंग होता क्या है, किस किस टाइप की फुटप्रिंटिंग होती है, किस तरीके से होती है। दोस्तों आप लोगों के लिए मालूम होना चाहिए कि फुटप्रिंटिंग इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करना होता है, तो इसलिए आप लोगों को सतर्क रहना चाहिए, अपने डाटा को सिक्योर रखना चाहिए। किस तरीके से सिक्योर रखना है आगे की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से अच्छी अपनी तरफ से नॉलेज आप लोगों के लिए देता रहूँ। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, और मेरे चैनल पर अगर नया आ गए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल का बटन दबाना मत भूलना। इससे होगा ये कि दोस्तों मैं कोई भी वीडियो डालूं आप लोगों तक पहुंच सके सबसे पहले दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई क्लास के साथ, नए सेक्शन के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों। जो लोग एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, हर्षित क्रिएशन यूट्यूब चैनल उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन चैनल। तो मिलते हैं आपसे दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक यू।